रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन इज़ एक्चुअली रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड का मतलब होता है बार बार, और एडिशन जमा करना। तो ज़रब जो है असल में वो रिपीटेड एडिशन है। तो सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला मल्टीप्लाई करके वापस हमें करता है। अल्लाह ताला कुरान पीठ में फरमाते हैं, अगर तुम अपने माल में से एक दाना अल्लाह की राह में खर्च करो तो अल्लाह ताला जैसे एक दाना मिट्टी में बोते हैं उससे 7 बालियां निकलती हैं और हर बाली में 100 दाने हों, तो अल्लाह ताला जितना चाहे उसको बढ़ा चढ़ा कर देता है। अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह की राह में खर्च करने की आदत डालो, क्योंकि जो जितनी चीज़ें खर्च करता है उससे 700 गुना तक उसे वापस मिलती हैं। और फिर खर्च सिर्फ पैसा ही नहीं होता, अपनी सलाहियतें, भलाई, जो कुछ भी अल्लाह ने आपको दिया है, काबिलियत दी है, वक्त दिया है, उसको अल्लाह की राह में लगाएं। और ये चीज़ें कब बंदा अल्लाह की राह पे लगाने पे आमादा होता है, जब अल्लाह की रस्सी, हदायत की रस्सी को मजबूती से पकड़ लेता है, सीधे रास्ते पे चलता है। तो प्यारे बच्चों, कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू करें ताकि पता चले सीधा रास्ता कौन सा है। तो हम अपने मैथ प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। आज हम मल्टीप्लिकेशन मोर देन 6 और 6 डिजिट्स का सीखेंगे। यह 254,268 को हमने 45 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम पहले 5 का टेबल नीचे लिखेंगे। 5 8s are 40, हमने 0 लिखा, 4 को कैरी किया। 5 6s are 30 plus 4 34, 4 आ गया, 3 कैरी किया। और 5 2s are 10, उसमें 3 हमने नीचे लिखा, 1 कैरी किया। फिर हमने 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया। 5 4s are 20 और 1 प्लस किया और हमने 21 लिखा, 2 कैरी किया। 5 5s are 25 plus 2 27 आया, 7 लिखा और हमने 2 कैरी किया। और 5 2 10s are 10, 5 2 are 10 plus 2 12 आ गया। तो पहला स्टेप हमने पूरा कर लिया। अब हमने दूसरे स्टेप में करना है कि पुट द ज़ीरो बिलो इन द वंस प्लेस। हमने 1 के नीचे 0 लगाया और हमने मल्टीप्लाई बाय द नंबर इन टेंस प्लेस। तो 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 800 का 32 होते हैं, 32 के हमने 2 लिखे, 3 कैरी किया। 4 6s are 24 plus 3 27, हमने 7 लिखा, 2 कैरी किया। 4 2s are 8 plus 10, 0 आया, 1 कैरी किया। 4 4s are 16 plus 1 17, हमने 7 लिखा ऊपर, 1 कैरी किया। और 4 5s are 20 plus 1 21, और हमने 2 कैरी किया। और उसके बाद 4 2s are 8 plus 2 10। तो ये था हमारे पास दूसरा स्टेप। अब हम इन सब को जो है ऐड अप करेंगे, यानी आप देख रहे हैं कि 0 की जगह 0 6 10 कैरी किया, तो ये हमारे पास नंबर आ गया। अब आपको सारा प्रोसीजर पता चल गया। अब आप ये नया सम है, इसको मल्टीप्लाई करें। अब वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें और इसको कॉलम फॉर्म में लिखें और फिर देखें। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई विद द नंबर इन द वंस प्लेस। हम इकाई के नीचे जो 1 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको पता है जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही हमारे पास जो ऊपर रकम लिखी हुई है वही नीचे आ जाएगी। उसके बाद हम पुट अ ज़ीरो बिलो द वंस प्लेस। हम वंस के नीचे 0 लगाएंगे और फिर हम उसके बाद मल्टीप्लाई टेंस के साथ करेंगे। और यानी 4 का हमें टेबल आना चाहिए। हम 4 की स्किप काउंटिंग कर लेते हैं। तो पहले 4 5s are 20, हमने 0 लगाया, 2 ऊपर हमने कैरी किया। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 4 multiplied by 0 is 0 plus 2, हमारा 2 नीचे आ गया। फिर 4 2s are 8, तो हमने उसके बाद 8 लिखा। फिर 4 4s are 16, हमने 6 लिखा और 1 कैरी किया। और फिर 4 5s are 20 plus 1 21, 1 हमने लिखा और 2 कैरी किया। और फिर एंड में 4 1s are 4 plus 2, हमारे पास 6 आ गया। अब हमने जो 200 है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो हम उससे पहले 20 लिखेंगे और फिर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम 100 की प्लेस से शुरू करेंगे। 2 5s are 10, तो 1 कैरी किया हमने, क्योंकि 20 उसके बाद 0 की वैल्यू तो 0 ही रहती है। तो
वन हमने जो कैरी किया था वो ऐड किया तो हमारे पास वन आ गया, फिर टू टू ज़ार फोर, और फिर टू फोर ज़ार एट, आगे हम जो है वो एट लिखेंगे, और फिर ये एक्चुअली हम टू का टेबल है, और फिर टू फोर ज़ार एट, टू फाइव ज़ार टेन, और टू फोर टू वन ज़ार टू प्लस वन थ्री। अब ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगी। अब हमने इन सब को ऐड करना है, फाइव की जगह फाइव, ज़ीरो की जगह ज़ीरो, और उसके बाद फोर ट्वेल्व और थर्टीन एक कैरी किया, सिक्सटीन एक कैरी किया, अलेवन एक कैरी किया, सेवन और थ्री। तो प्यारे बच्चों आप ये सारे स्टेप फॉलो करें तो आपको मल्टीप्लिकेशन में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।